खेतड़ी के केसीसी आवासीय क्वार्टर में हुई चोरी, खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे चोर, मेन गेट का इंटरलॉक नहीं टूटने से मुख्य दरवाजा नहीं टूटा, परिवार वाले एक सप्ताह से गए हुए थे बेटे के पास जयपुर। केसीसी के थर्ड सेक्टर स्थित आवासीय क्वार्टर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चुरा लिए हैं। मकान मालिक एक सप्ताह पूर्व अपने बेटे के पास जयपुर गए हुए थे। शनिवार शाम को घर आने पर चोरी की वारदात का पता चला। मकान मालिक ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। मकान मालिक छोटेलाल ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ 25 जून को अपने बेटे सुनील के पास जयपुर गया था, जिसके चलते क्वार्टर पर कोई नहीं था। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे आकर देखा तो बाहर के गेट का ताला टूटा हुआ था। दो कमरों की खिड़की व जाली टूटी हुई थी। खिड़की के ऊपर का सरिया भी निकला हुआ था। मुख्य गेट का ताला भी टूटा हुआ था, लेकिन इंटरलॉक होने के कारण दरवाजा नहीं खुला, जिसको भी सरिये से तोड़ने का प्रयास किया गया है। दरवाजा खोल कर देखा तो तीनों कमरों का सामान बिखरा हुआ था। दोनों कमरों में रखे हुए दीवान, बेड, एक बड़ी लोहे की बक्सा, 3 लोहे के संदूक और 2 लकड़ी की आलमारी में रखा हुआ सारा सामान बिखरा हुआ मिला। बाहर वाले कमरे में लगी LED भी गायब मिली। इस संबंध में छोटेलाल ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 25 तारीख को हम जयपुर गए थे बड़े लड़के के पास में, और आज आए 5:30 बजे, 5:30 के करीब आ गए थे। तो देखा तो सब खिड़की खुड़की सब कुछ टूटी हुई मिली, पूरा सामान इधर उधर मिला। और अब वो के क्या क्या लेके गए हैं, वो गहना भी था, रुपये भी थे, और ये बैग वूग सब खाली पड़े हैं। दोनों बहुओं के जेवर थे और मेरी मिसेज का जेवर था, वो कोई मिला नहीं है। और अब देखेंगे कितने रुपए थे नगद, करीब 30-40 हज़ार के करीब रुपए थे। जेवर कितने रुपए का था? जेवर तो 15 लाख से तो ऊपर ही था। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी। वो आकर वीडियो बना ले गए और सुबह उनको ले जाकर लिस्ट बना के दे देंगे क्या क्या सामान गायब। कोपर के आजाद मार्केट में परिवहन मंत्री ओला का हुआ सम्मान। केसीसी के आजाद मार्केट में परिवहन मंत्री ओला का किया गया स्वागत। सड़क सुरक्षा मंत्री बिजेंद्र ओला का आजाद मार्केट में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। परिवहन मंत्री बिजेंद्र ओला अपने किसी निजी कार्य पर जाकर वापस आते समय आजाद मार्केट रुके थे। परिवहन मंत्री ओला ने खेतड़ी डिपो के उत्थान के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। इस संबंध में भी उन्होंने बताया कि खेतड़ी से उनका पुराना लगाव है। खेतड़ी डिपो द्वारा कोई मांग भी नहीं की गई थी, इसके बावजूद भी खेतड़ी डिपो को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे खेतड़ी डिपो आधुनिक डिपो बनेगा। उन्होंने बताया कि CC सड़क, बैठने के लिए AC की व्यवस्था, टॉयलेट, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झुंझुनू डिपो के लिए भी 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, इस संबंध में परिवहन मंत्री बिजेंद्र ओला ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी सर्वे करवा रही है, साथ ही अभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान व महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दी जाएगी। आगामी विधानसभा में कांग्रेस सरकार फिर से बनेगी, ये दावा किया गया है। पिछले बजट में राज्य सरकार ने घोषणा करी थी 125 करोड़ रुपये बसों के उन्नयन के लिए दिए जाएंगे, चाहे वो दूसरे नगर निगम के बस हो, नगर पालिका के हो, या पंचायतों में हो, या रोडवेज के हो। तो उसमें सबसे बड़ी राशि हमने रोडवेज को दी है, उसी के तहत दोनों डिपो को 4 करोड़ रुपये दिए। रोडवेज के यहाँ से तो कम बन के गया था, पर 1 करोड़ रुपये यहाँ के रोडवेज के बस अड्डे को आधुनिक बनाने के लिए दिए हैं। उसमें CCTV कैमरे लगेंगे, बैठने के लिए AC व्यवस्था होगी, आपके से टॉयलेट बनेंगे, और जो उनका सर्विस है वो आप बसें खड़ी वो भी CC रोड करके रक्षा बनेगा, और जो भी DPR में ये काम
प्रस्तावित करेंगे वो उसमें बनेंगे तो अच्छा अपना बस अड्डा क्षेत्र का होगा, क्षेत्र के गौरव के अनुभव। सर आने वाले विधानसभा में क्या तैयारी रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी सर्वे करा रही है, हमारे सचिव हैं जो एनसीसी के वो भी सब जगह घूम रहे हैं, दूसरे अभी प्रोग्राम चला हाथ से हाथ दौड़ो और उसके बाद अभी ये हमारे जो रात शिविर चले हैं ये हैं, अब कुछ दिन बाद और दूसरा प्रोग्राम आएगा तो विधानसभा की तैयारी के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। सर अब इस सुनने में तो नहीं सुनिए मैं कोई पार्टी के पास है, सबसे मुख्य प्रश्न है जीतने वाला कैंडिडेट होना, सबसे बड़ी क्राइटेरिया यही है कि कौन जीत सकता है, ये संघर्ष के चल रहे। तो सर प्रदेश में कितने भी सीट आने की संभावना है? ये तो अभी मैं कोई ज्योतिषी तो हो नहीं सरकार दोनों पार्टियां उम्मीदवार घोषित कर देंगी और हमारे जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे सलाह करके उम्मीदवार बनाए जाएंगे, लगता यही है कि हम राजस्थान में दोबारा सरकार रिपीट कर सकते हैं। मयंक सोनी का आईआईटी में सिलेक्शन होने पर ग्रामवासियों ने किया स्वागत। गुड्डागोड़जी में मयंक सोनी का आईआईटी में ऑल इंडिया 26वीं रैंक तथा ओबीसी में ऑल इंडिया में दूसरी रैंक आने पर ग्रामवासियों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। गुड्डागोड़जी तहसील के शीतल गांव के सुभाष सोनी के बेटे हैं मयंक। होनार मयंक सोनी बीटेक करके सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। मयंक का सपना है कि वह बड़ा अफसर बने। मयंक के पिता उदयपुर वाटी पंचायत समिति में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इस मौके पर देवसेना के प्रदेश सचिव धर्मपाल गुजर, परमानंद सोनी, कैलाश सोनी, सुभाष सोनी, समाजसेवी बाबूलाल सोनी, विमलेश सोनी, नवीन सोनी, करण सोनी ने मयंक का स्वागत किया है। आईआईटी जेडवन 2023 में ऑल इंडिया 26वीं रैंक आई है और ओबीसी में सेकंड रैंक आई है। आप आखिर आपका जो आगे का क्या सपना है? आगे अभी बीटेक करके फिर आगे सिविल सर्विसेज में या फिर अन्य कोई जाना उसमें। आपने तैयारी कहाँ से की? मैं तैयारी सीकर में रहकर मैट्रिक्स कोचिंग से की। क्या नाम आपका? मेरा नाम मयंक सोनी। गांव सिखल। मयंक सोनी, बड़ी खुशी की बात है पुत्र श्री सुभाष सोनी स्वर्गीय श्री बुधराम जी सोनी शिथिल से जो एक होनहार प्रतिभा जिन्होंने आईआईटी में जो मूलतः हमारे शिथिल ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और बड़ी खुशी की बात है कि एक छोटे से देहाती गांव में एक आईआईटी में ऑल इंडिया 26वीं रैंक की इन्होंने प्राप्त की है। ओबीसी में ऑल इंडिया दूसरा स्थान प्राप्त किया है मयंक सोनी ने। हमारे पूरे साथी लोगों की तरफ से ऐसे प्रतिभावान को बधाई देने के लिए आए हैं। बुहाना रेलवे फाटक के पास पिकअप चालक से लूट का मामला निकला फर्जी, आपसी रंजिश में हुई थी मारपीट। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में बुहाना रेलवे फाटक के पास 29 जून को महपालवास निवासी पिकअप चालक राजेश कुमार के साथ मारपीट कर 2 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया था। सूरजगढ़ थानाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आपसी रंजिश के चलते मारपीट की घटना हुई थी, लूट की कोई घटना नहीं हुई। मारपीट के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए राजेश कुमार ने 2 लाख रुपए लूट की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बहरहाल पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। दुर्जनपुरा में मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल हुए बुजुर्ग की इलाज के दौरान हुई मौत, चालक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। सदर पुलिस थाने में एक मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ टक्कर मारने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दुर्जनपुरा थाना सदर निवासी महेश कुमार ने मामला दर्ज करवाया है कि परिवादी का ताऊ विद्याधर पुत्र रतुराम अपने खेत से घर आ रहा था, इसी दौरान एक मोटरसाइकिल नंबर RJ18ES8377 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर उन्हें टक्कर मार दी जिसमें वह घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं सदर पुलिस ने इस संबंध में परिवादी की शिकायत के आधार पर मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शेखावाटी दिव्यांग जन सेवा समिति की कार्यकारिणी का चिड़ावा में हुआ गठन, जोगेंद्र शर्मा बने अध्यक्ष। शेखावाटी दिव्यांग जन सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकारिणी का गठन करते हुए दिव्यांगों के हितों को लेकर चर्चा करते हुए रूपरेखा तैयार की गई। नवगठित कार्यकारिणी में जोगेंद्र शर्मा अध्यक्ष,
दिनेश सैनी उपाध्यक्ष, किशोर सिंह सचिव, कमल नायक उप सचिव, डॉक्टर राजेश सलाहकार, गंगाधर वर्मा कोषाध्यक्ष, संदीप शर्मा उप कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी सुमित पारिक, विजय प्रकाश बनगोठड़ी पिलानी प्रभारी, असलम सुल्ताना प्रभारी, जगदीश कुमावत नवलगढ़ प्रभारी, पंकज कुमार गंडावा सूरजगढ़ प्रभारी, सुमन वर्मा चिड़ावा प्रभारी, गुलनाथ जांगिड उप प्रभारी तथा महेंद्र कुमार, बाबूलाल जोगी, महेंद्र सिंह बदनगढ़, संदीप राव सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष जोगेंद्र शर्मा ने कहा कि शेखावाटी दिव्यांग जन सेवा समिति दिव्यांगों के हितार्थ समर्पण भाव से कार्य करेगी। झुंझुनू से पूर्व सांसद संतोष अहलावत की भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति, बधाई देने वालों का लगा तांता। झुंझुनू से पूर्व सांसद संतोष अहलावत की प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत की प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिलने पर पूर्व सांसद व सूरजगढ़ की पूर्व विधायक संतोष अहलावत ने राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया है। जिले की विभिन्न थाना पुलिस ने जिले भर में उत्पात मचाते पाए जाने पर 34 लोगों को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। जिले की विभिन्न थाना पुलिस ने जिले भर में शांति भंग के आरोप में 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जिले में लड़ाई झगड़े में आमदा 34 लोगों को धारा 151 CRPC के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।